उन्होंने ये गल साफ सरकारी महकमे की सरकारी महकमे की आ सो एक तो जो सब तो वड्डा झूठ फड़िया जो असं बार बार कह रहे थे भी उत्थे जो बोर किए हुए उन्होंने गिनती 10 तो उपर आ 12 13 बोर आ हालांकि असं हजे भी समझते हैं भी हजे भी जो 12 बोर शो किए गए हजे भी वो घट आ बोर वो ज्यादा किए हुए हैं पर यह मान नहीं रहे थे 4 बोर शो कर रहे थे। दूसरा जिहड़ा विचों उन्होंने सैंपल लाया पानी के 3 बोरों के सैंपल ठीक आ 2 बोरों के जिहड़े असीं कह रहे थे भी इन्हां च पानी सिटिया जाता बैक सिटिया जाता उन्हां च वो मुश्क भी आ रहा तो वो जिहड़े साइलेंट वर्गे तत्त जिहड़े वो भी आ रहे हैं। तकरीबन एक गल पक्की साफ होगी भी जिहड़े लोग कह रहे थे भी ये बहुत खतरनाक कैमिकल आ हैवी कैमिकल आ जिहड़े लोगों की जान का खाजा बने आ वो जिहड़ी साडी गल लगातार जिहड़ी 11 महीने तो लड़ाई चल रही थी वो तो एक बार मोर लग अपनी आम आदमी पार्टी ने तो पहला बहुत जोर लाया इन्हें साफ करने वास्ते मैं लगता हूँ उन्होंने को जवाब नहीं होगा लोगों ने बहुत मान सत्कार भी दिता भी ये बहुत सच्चे सुचे बंदे आ पर जिस तरह का उन्होंने उत्थे कीता ते शरेआम झूठ बोलिया बाद में जाके उ सीचे आल वो घूम गया तो कह रहा भी फैक्ट्री का कसूर ही कोई नहीं गा यह पानी जरूर गंदा वा पर फैक्ट्री राजनीतिक पानी चढ़ गया सीचे वाल कह सकते हैं इस मुद्दे राजनीतिक पानी च डुब गए जी पंजाब जिहड़े पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कुछ इन्हां नूं नोटिंग अपनी दित्ती सीगी प्रदूषण ओवरऑल पूरे पंजाब दे विच हैगा जे आपां लैड की गल करिए आपां यूरेनियम की गल करिए होर जिहड़े जहर की गल करिए बठिंडे वाल चल जाओ सब पासे कैमिकल जिहड़ा यूज हो रहा सब पासे आ रहा है। जे तुसीं उत्थों 20 किलोमीटर फैक्टरी तो जाओगे चढ़दे वाले पासे नूं उत्थे पानी तुहानूं साफ मिलेगा जे तुसीं 50-60 किलोमीटर जाओगे लेंदे वाले पासे नूं उत्थे तुहानूं साफ मिलेगा इस तरह उत्तर दक्षण जाओगे एक घेरे दे विच जिथे जिथे तक पानी की मार गई है लगातार वो उत्थे उत्थे पानी खराब होया वा। सो बड़े लंबे समय तो पंजाब दे विच जीरा दी शराब फैक्टरी का मुद्दा चलता आ रहा लगातार उत्थे धरना भी चलता आ रहा हालांकि यू टर्न पंजाब सरकार का भी होया सी किसे टाइम मुख्यमंत्री पंजाब ऐलान कर देंदे फैक्टरी बंद करांगे उस तो पहला जिहड़ा हाई कोर्ट जुर्माना भी लांदी है सरकार नूं फिर सरकार यू टर्न भी मारदी है सीएम कहिंदे आ बंद भी नहीं होएगी पर लोगों का संघर्ष जारी है। बलदेव सिंह जीरा साडे नाल मौजूद ने सीपीसी जिहड़ा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया केंद्र सरकार का उहदी इक नवीं रिपोर्ट भी आ गई है। सो जीरा साहब सब तो पहला सवाल यही जिहड़ी सीपीसी दी बोर्ड रिपोर्ट आई है केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट की है। देखो जी उहदे विच उन्होंने साफ करता क्योंकि यह तकरीबन असी जदों तों बैठे हुए हैं उत्थे यह पंजवीं कमेटी आ उस तो पहला सीचे वाला आए फिर अपने जमहूरी अधिकार सभा भी गई पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बनाई सी वह भी गई ये लास्ट वाली है उन्होंने गल साफ सरकारी महकमे की सरकारी महकमे की आ। सो एक तो जो सब तो वड्डा झूठ फड़िया जो असं बार बार कह रहे थे भी उत्थे जो बोर किए हुए उन्होंने गिनती 10 तो उपर आ 12-13 बोर आ हालांकि असं हजे भी समझते हैं भी हजे भी जो 12 बोर शो किए गए हजे भी वो घट आ बोर वो ज़्यादा किए हुए आ पर यह मान नहीं रहे 4 बोर शो कर रहे थे वो एक तो यह गल साफ होगी भी बोर 12 की गिनती चा। दूसरा जिहड़ा विचों उन्होंने सैंपल लाया पानी के 3 बोरों के सैंपल ठीक आ 2 बोरों के जिहड़े च असीं कह रहे थे भी इन्हां च पानी सिटिया जाता बैक सिटिया जाता उन्हां च वो मुश्क भी आ रहा तो वो जिहड़े साइलेंट वर्गे तत्त जिहड़े वो भी आ रहे हैं। इस तरह जिहड़े होर वख वख इलाके चों सैंपल भरे आ फैक्टरी के अंदरों बाहरों तकरीबन एक गल पक्की साफ होगी भी जिहड़े लोग कह रहे थे भी इहदे च बहुत खतरनाक कैमिकल आ हैवी कैमिकल आ जिहड़े लोगों की जान का खाजा बने आ वो जिहड़ी साडी गल लगातार जिहड़ी 11 महीने तो लड़ाई चल रही थी वो तो एक बार मोर लग गई है तो मैनूं लगता हूँ इह सरकार कोल जिहड़ी इहदे हक च खड़ी सीगी खास करके अपनी आम आदमी पार्टी ने तो पहला बहुत जोर लाया इन्हों साफ करने वास्ते मैं लगता हूँ उन्होंने को जवाब नहीं होगा इस गल। अच्छा की लगता है सीचेवाल ने जी रिपोर्ट बनाई थी कमेटी ने जो एम पी बन गए उस तो पहले रिपोर्ट है कि एम पी बनने तो बाद की रिपोर्ट है? नहीं वो एम पी बन के ही साढ़े को आए थे तो एक उन्होंने पहले छवि चंगी सी लोगों ने बहुत मान सत्कार भी दिता भी ये बहुत सच्चे सुचे बंदे आ पर जिस तरह का उन्होंने उत्थे किया तो शरेआम झूठ बोलिया क्योंकि एक बार पहला सीचेवाल साहब साढ़े को आके कह के गए थे भी इस पानी में कोई दुनिया की ताकत साफ कह ही नहीं सकती बाद में जाके उ सीचे आल वो घूम गया तो कह रहा भी फैक्ट्री का कसूर ही कोई नहीं गा यह पानी जरूर गंदा वा पर फैक्ट्री नहीं राजनीतिक पानी चढ़ गया सीचेवाल से कह सकते हैं इस मुद्दे वो राजनीतिक पानी च डुब गए जी ठीक है डुब गए उस पानी बिल्कुल। अच्छा आप गल करिए कह रहे हो भी जी रिपोर्ट आई है सीपीसी की है या पंजाब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कुछ इन्हें नोटिंग अपनी दी सी प्रदूषण ओवरऑल पूरे पंजाब के विच हैगा जे आपां लैड की गल करिए आपां यूरेनियम की गल करिए होर जो जहर की गल करिए बठिंडे वाल चल जाओ सब पासे कैमिकल जो यूज हो रहा सब पासे आ रहा है आपां किस आधार पर कहने कि यही कल्ली फैक्टरी जिम्मेवार है उत्थे इंडस्ट्री होर भी होएगी सरकार कल इसका शेल्टर ले सकती है
देखो पहली गल तो यह भी साढ़े होर कोई उत्थे इंडस्ट्री है नहीं 30-40 किलोमीटर के घेरे च। दूसरी गल भी यही जिम्मेवार है क्योंकि ये की होया भी तुसी देखो घेरा जिहड़ा फैक्टरी दे वेले घेरा जे तुसी उस तो 20 किलोमीटर फैक्टरी तो जाओगे चढ़दे आले पासे नूं उत्थे पानी तुहानूं साफ मिलेगा, जे तुसी 50-60 किलोमीटर जाओगे लहिंदे आले पासे नूं उत्थे तुहानूं साफ मिलेगा, इसे तरह उत्तर दक्षण जाओगे एक घेरे दे विच जिथे जिथे तक पानी की मार गई है लगातार वह उत्थे उत्थे पानी खराब होया वा। इस करके कोई शक नहीं ये कोई सुबह नहीं गा क्योंकि वख-वख थावां तों सैंपल भरे आ, वख-वख थावां तों TDS चैक किया जाता वा, जिन्ने फैक्टरी के नाल दे पिंड आ उन्हां दा बड़ा बुरा हाल आ। हुण इस रिपोर्ट दे विच भी सिर्फ 3 पिंडां दा जिक्र किया गया वा, मईआला, कलां, मसूरवाल ते टौर रोही। हालांकि जिहड़े दूसरे पिंडां दी वी रिपोर्ट आ उह वी बिल्कुल हूबहू इसे तरह आऊगी जिहड़े घेरे वाले पिंड आ। हाँ दूर वाले पिंडां दी थोड़ा जिहा उह फर्क हैगा वा, पर नेड़े दी तां पूरा कान किया होया। NGT दे हुकम हुण लागू करेगी, मान सरकार की कहिंदे ने? देखो जी मान सरकार दे पाले च गेम आ हुण, मैनू लगता जे तो सच्ची मुची लोक पक्षी आ फिर तो हुण उन्हां नूं कोई होर सबूतों की लोड़ नहीं, बंद कर देनी चाहिए आ। पर जे वह फिर लगातार उही गल इहनूं कानूनी मसले चल जा के किवें ना किवें मलहोत्री नूं बचाउण दे चक्कर च पैणगे तो फिर वह पंजाब चों जाणगे क्योंकि पंजाब दे लोकां नूं पहलां इह बहाना लाउंदे हुंदे सी वी साडे कोल जी तत्थ है नहीं कोई, असीं कारवाई किवें करिए। हुण तां रौला मुक्किआ ना, हुण देखो पंजाब दे लोक जिन्ना मान सन्मान दिंदे आ ते जे उह बंदा कोई झूठ बोलदा फिर उहनूं सज़ा भी बहुत भैड़ी दिंदे आ। इह हुण मान सरकार ने सोचना भी उहनां ने करना की आ, उन्होंने पंजाब के लोगों ने खड़ना कि मलहोत्री ने यारी पगानी है, ये हुण उन्होंने CP की जी रिपोर्ट आ गई है तुहाडे संघर्ष नूं इहदे नाल ताकत मिली है, बल मिले तुहाडे ते होर परचे पुरचे पैणगे, हुण की लगता फिर तुहानूं खिंडाउण दे लई? देखो जदों असीं कोई भी संघर्ष जाने यह आम गल्लां वा, परचे पैने, गिरफ्तारियां होनियां, यह सारा कुछ सोच के करते हैं, चाहे दिल्ली गए जां इत्थे गए सब कुछ झलना पैंदा। सब तो वड्डी गल तो यह है भी जिहड़े मसले नूं तुसीं लैके बैठे हो की वह सही आ? अज इस गल ते मोहर लगी आ भी इलाके दे लोक सही सी, सरकार गलत सी, मल्होत्रा गलत सी, फिर हुण तां परचे सगों इहनां नूं रद्द कर देने चाहीदे आ। जिहड़े जदों जिहड़े बंदिआं ते परचे कीते आ जदों उहनां दी मंग जायज निकल आई आ, उहनां दी गल ठीक निकल आई आ, हुण तां परचे इधरों रद्द करके उधर होने चाहीदे जे सचमुच ही कोई इह आम आदमी दी सरकार आ। सो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिहड़ी रिपोर्ट आ गई उहने तय कर दिता है कि जीरा जिहड़ी हैगी है मैलब्रोस दीप मल्होत्रा अकाली MLA साबका दी जिहड़ी शराब फैक्टरी है 20 किलोमीटर के रेडियस जिन्ना उत्थे पानी दे विच जहर मिलिया नज़र आ रहा, प्रदूषण मिलिया नज़र आ रहा, वह यही फैक्टरी जिहड़ी हैगी जिम्मेवार है। हालांकि पहला मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान कहिंदे ने कि फैक्टरी बंद करांगे, 20 लाख का जुर्माना भी सरकार वल्लों उहनां नूं आ जांदा, फिर वह कहिंदे ने नहीं जी आपां बंद नहीं करनी हैगी, लोगों का संघर्ष एवें चल रहा। सो हुण CPC जिहड़ा केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट तो बाद पंजाब सरकार का की रुख होंदा देखना होगा, लोगों का संघर्ष लगातार जारी है। विजय शोक के नाल बलजीत मरवाहा, चंडीगढ़।